पॉकेट मैंने दो मैं तो मेरे का गंगारा। अबे कौन है बे तू और ये ऐसी कैसी भाषा बोल रहा है, हिंदी नहीं आती क्या तुझे? रिंग होते हुए करवाते हो मैं क्या अलग जामा बे पागल है क्या, जामा वामा लगा के रखा है, हिंदी में बोल रिंग होते मैं तेरे को अलग जामा गंगारा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सो है गाइस, आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो फिर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले मेगा गेंगार और मेगा अलकाज़ाम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर आप सच में शॉक्ड हो जाओगे। इसकी मेगा अलकाज़ाम के साथ इतने सारे चम्मच क्यों रहते हैं, और फिर ये मेगा गेंगार के पास ये रिंग कैसी है, और फिर मेगा अलकाज़ाम और गेंगार के बारे में राइवलरी, और वो जो कैंटो में भी टॉन्डम पोकेमॉन्स आए थे वहाँ पर भी गेंगार और अलकाज़ाम की ही राइवलरी थी। तो इन सारे मिस्ट्रीज को जानते हैं एक छोटे से इंटर के बाद। ओए रुक, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। हाँ बोल, पर जल्दी बोल। ये मेगा अलकाज़ाम इतने सारे चम्मच का करता क्या? वो मुझे क्या पता। और ये जो मेगा गेंगार है वो उसके रिंग का करता क्या है? अबे ये कैसे सवाल पूछ रहे है, पता नहीं। अगर मेरे पास वो रिंग और उतने सारे चम्मच होते ना, तो फिर मस्त बाजार में बिक के पैसा कमा के पार्टी शार्टी कर लेता। अब ओए पागल, मेरा दिमाग मत खराब कर और वीडियो का इंट्रो लगा चल। हमें दोस्ती से नहीं बस नकली चेहरों से है परहेज, हमारी पीठ पीछे बात करके आज वो बन रहे हैं बहुत तेज, सामने से बोलते हैं सर सर। रहने दो छोटे, बराबरी करनी है तो सीधे बाप को भेज। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके राइवल के बारे में। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्सली गेंगार जीतेगा। गाइस नहीं, आप गेंगार के सेकंड टाइप के बारे में भूल रहे हो। गेंगार गोस्ट टाइप तो है पर उसके ही साथ पॉइजन टाइप भी है, और हम सभी लोगों को पता है फिजिकल टाइप पॉइजन टाइप की चटनी कर देता है, इसलिए कोई नहीं जीतता भाई। मतलब इन दोनों में गोस्ट टाइप फिजिकल टाइप पे हानि करता है और फिजिकल टाइप गोस्ट टाइप पे, इसलिए इन दोनों के बीच में राइवलरी होती है। तो गाइस चलिए आप बात कर लेते हैं मेगा गेंगार के उस रिंग के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेगा गेंगार के पास पहले कोई रिंग नहीं था। फिर मतलब क्या हुआ था आपको, हम सभी लोगों को पता है मेगा गेंगार उस रिंग के साथ क्या क्या कर सकता है। मतलब डिमेंशंस ट्रेवल कर सकता है, और अगर आपने हुप्पा वाली मूवी देखी होगी तो फिर आप सभी लोगों को पता है हुप्पा भी डिमेंशन ट्रेवल कर सकता है। और गाइस मेगा गेंगार के रिंग और हुप्पा के जो पास जो रिंग्स होते हैं ना वो गाइस सिमिलर है। तो फिर मेरी थ्योरी ऐसे बोलती है मेगा गेंगार के पास पहले कोई रिंग नहीं थी, पर मेगा गेंगार भी एक गोस्ट टाइप या पोकेमॉन है, इसलिए हुप्पा ने उसको वो रिंग दी होगी कुछ तो ऐसा बैड थिंग्स करने के लिए, जिससे वो डिमेंशन में ट्रेवल करके कुछ तो करे, मतलब बुरा काम। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई मेगा गेंगार के रिंग के बारे में। तो फिर आप बात करते हैं मेगा अलकाज़ाम के चम्मचों के बारे में, मतलब चम्मच के बारे में। अबे इसमें क्या बताने वाली बात है, लाओगे उसके घर से? हमारे भी घर में इतने सारे चम्मच पड़े हुए हैं ना। अबे पागल तू चुप कर। तो गाइस मेगा अलकाज़ाम के पास इतने सारे चम्मच होते हैं क्योंकि गाइस हम सभी लोगों को पता है अलकाज़ाम के पोकेडेक्स एंट्री भी कहते हैं कि अलकाज़ाम कडाब्रा ये मतलब स्पीशीज में यार बहुत सारी फिजिकल पावर होती है। तो गाइस मेगा अलकाज़ाम होने के बाद यार कितनी फिजिकल पावर होगी, इसलिए उन सारे फिजिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए ये चम्मच रखता है वो। अब बोलोगे चम्मच और फिजिकल पावर का क्या लॉजिक है? लॉजिक है गाइस, लॉजिक ऐसा है कि गाइस हर एक उसके चम्मच में जो होते हैं वो कितने भी फिजिकल पावर रखते होगा, मतलब 50% 10% ऐसा ऐसा करके, इसलिए उसके पास इतने सारे चम्मच होते हैं। तो गाइस आप बात कर लेते हैं टॉन्डम अलकाज़ाम और टॉन्डम गेंगार के बारे में। गाइस ये टॉन्डम अलकाज़ाम मतलब जायंट अलकाज़ाम और जायंट गेंगार ये दोनों भी पोकेमॉन हमें कैंटो रीजन के एक एपिसोड में दिखाए गए थे, और गाइस अगर इनकी बैटल और थोड़ी देर चलती ना तो फिर पूरा कैंटो रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता। वो तो आर्चियस भगवान का शुक्र है जो जिगलीबफ को भेजा उन्होंने टॉन्डम करके। तो गाइस जिस पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है टॉन्डम पोकेमॉन्स के बारे में, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये ओल्ड पोकेमॉन होंगे, एशियाड पोकेमॉन होंगे जो उस केव में से बाहर निकले होंगे, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये पोकेमॉन अलोला से आए। तो पहले बात मैं आपको बता दूँ ये पोकेमॉन अलोला से कैसे आ सकते हैं भाई, पहले कैंटो के बाद जोटो आया था, जोटो के बाद होएन, तो फिर ऐसे अलोला को यार 6 ईयर्स लगे थे यार अलोला बनने के लिए। अगर ये पोकेमॉन अलोला से नहीं है पर ये आप हमारे आउट ऑफ टॉपिक है, और अगर आपको रियल थ्योरी जाननी है ये टॉन्डम पोकेमॉन एशियाड पोकेमॉन मतलब जो भी हो उनके बारे में, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बनाऊंगा अगर आपने 20 लाइक्स कर दिए तो। गाइज वीडियो बस इतनी थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक और तभी तक के लिए पीसिंग आउट।